मजाक होती तो सिर्फ गरीब की, और हमारे देश में अगर कोई नियम का पालन करना होता है तो सिर्फ गरीब को, अमीर कभी कोई नियम का पालन नहीं करता, केवल गरीब करता है। मास्क भी लगाता है तो सिर्फ गरीब लगाता है। चालान की बाजी आती है तो गरीब का चालान होता, कभी बड़े आदमी का कोई चालान नहीं हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति महाराज, गरीबी बहुत विचित्र है। हमने अपने जीवन काल में बहुत नजदीक से गरीबी देखी, बार बार स्मरण आ जाता है, कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पर साहब सत्य तो आखिर सत्य होता है। हम अपने जिस गांव में रहते थे साहब, जहां हमारा गांव है मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास में, उस गांव के हम ब्राह्मण हैं, और गांव के ब्राह्मण थे, परिवार में हम घर में अपने सबसे बड़े थे, भाइयों में, बहन में, भाई में और बहन में। महाराज पिताजी कुछ करते नहीं थे, हमने अपने घर में रहकर जहां हम रहते थे 8 वर्ष तक भीख मांगी, 8 वर्ष तक भीख मांग करके दास ने खुद जीवन चलाया। उस वक्त के कई वाकिया ऐसे हैं जो हृदय को बार बार झकझोर देते हैं, बार बार वो याद आते हैं। हम जब पढ़ने जाते थे गांव में, खैर ये हाँ सुनो, जब पढ़ने जाते थे हम गांव में, तो हमारी आदत थी बचपन से ही महाराज तिलक लगाने की, बचपन से तिलक लगाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि पैसा तो था नहीं, भीख मांग करके भोजन करते थे, माता पिताजी भी थे, भीख मांग करके अपना परिवार चलाते थे। स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमें बार बार स्मरण है, स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो छोटे छोटे जो हमारे मित्र थे बच्चे, जबरदस्ती सिर पकड़ के हमारा तिलक मिटा देते, जबरदस्ती इसलिए मिटा देते थे, हम इसलिए विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि हम गरीब घर से थे। कोई जब उत्सव होता था 26 जनवरी या 15 अगस्त तो सबके नए नए कपड़े होते, हमारा सिर्फ एक ही कपड़ा होता था, एक कुर्ता एक पजामा। बचपन था हमारा